अच्छा, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया जी, इन सिंपल स्ट्रेटजी को कि हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर। ठीक है, दो हिस्सों में सिंपल है। वो ये है कि देखिए, इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। अगर आप इस पेपर को दो हिस्सों में तकसीम करो तो दो तरह की चीजें इसमें आती हैं। एक आती है स्किल बेस्ड चीज, दूसरी आती है मेमोराइजेशन बेस्ड। सीधी जो बात है, दो चीजें, स्किल जो आपने डेवलप करनी है प्रैक्टिस करके, मेमोराइजेशन जिसमें सिर्फ आपने रट्टा लगाना है। उसके लिए आपको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी क्या कहते हैं कि मेंटोर की जरूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट यू नीड टू यूज योर ब्रेन। तो अब देखते हैं कि स्किल बेस्ड चीजें कौन सी हैं, मेमोराइजेशन बेस्ड चीजें कौन सी हैं। तो अगेन रिपीट कर दूं, चीजों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक आपका स्किल बेस्ड जिसको आपने डेवलप करना है, दूसरा आपका मेमोराइजेशन बेस्ड जिसको आपने सिर्फ रट्टा लगाना है। स्किल बेस्ड में आ जाते हैं, इसमें है प्रेसिंग सबसे मेजर जो चीज है। प्रेसी रट्टा लगाने से आपको कभी भी नहीं आ सकती, ना कोई इतने लंबे पैराग्राफ याद कर सकता है, और ना जो आपने याद की है वो पेपर में कभी आ जाएगा। दूसरी चीज, कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कैसे करना है, इट इज ऑल्सो स्किल। और ट्रांसलेशन कैसे करनी है, जब वर्ड्स नहीं आते वो तो किस तरह से लिखना है, अगेन ये प्रैक्टिस और स्किल से आएगा। पंक्चुएशन आपकी, आपके रूल्स आने चाहिए, आपको थोड़ी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह से जो समटाइम्स जो ये भी आ जाते हैं चेंज ऑफ वॉइस, जिसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम नरेशन कहते हैं, तो ये चीजें भी आ जाती हैं। तो ये चीजें स्किल बेस है, अगर आपको रूल्स इनके आते हैं और आपने ये सोल्व करके देखे हुए हैं तो ये चीजें आप स्किल अपनी से कर लो। तो कर करा के अगर हम देखें तो हमारा आधा पेपर जो है इट इज स्किल बेस्ड। अच्छा, अब आ जाते हैं मेमोराइजेशन पे। एक तो वोकेबलरी, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रेपोजिशंस, ये तो तकरीबन कंप्लीटली मेमोराइजेशन बेस्ड है। करेक्शंस जो हैं वो भी मैं मेमोराइजेशन बेस्ड इसलिए लिखता हूँ कि करेक्शंस बेसिकली होती हैं जो ग्रामर का जो एरर्स होते हैं या स्पेलिंग एरर्स होते हैं उनको आपने निकालना। मुझे आप बताएं कि अगर हम करेक्शंस को सही तरीके से करना चाहें तो हमें ग्रामर के रूल जो हैं वो देखने पड़ेंगे। और ग्रामर के जो रूल हैं वो अगर आप देखने बैठ जाएं कि सही सेंटेंस कौन सा है, गलत सेंटेंस कौन सा है, तो यकीन माने 2 साल आप सिर्फ ग्रामर के रूल्स देखते रहेंगे। सही है, तो क्या हमें फिर ग्रामर के रूल्स देखने चाहिए कि हमें स्मार्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए? तो इसमें स्मार्ट यही होता है कि आप जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से अगर आप 20 साल के करेक्शंस कर लेते हो, सोल 20-22 साल के, 2000 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो आपका जो है एक अच्छे आपके पास सेट ऑफ रूल्स आ जाता है जो अप्लाई करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सो इसलिए हमें बस वही करना है, वो मैं आपको खुद करवाऊंगा। जो करेक्शंस है पिछले 10 साल की तो मैं करवाऊंगा, बाकी 10 आप खुद कीजिएगा तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि हर चीज को हम एट लेंथ तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि और भी 11 सब्जेक्ट हैं, उनको भी टाइम देना है। सो हर चीज को स्मार्टली प्रिपेयर करना होता है, दिस इज व्हाट सीएसएस इज। फिर आप लोगों के लिए मैंने थोड़े ये वोकेबुलरी के सोर्सेज भी लिखे हुए हैं। सही है, ये लिख लीजिए, बेशक नोट कर लीजिए कि वोकेबलरी के लिए किधर से प्रिपेयर करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं ग्री लिस्ट इनाफ है, तो ग्री लिस्ट इनाफ है अगर आप सारी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज हाफिज करीमदाद की बुक क्या, प्रेसी एंड कंपोजिशन की, उसमें जो लिस्ट दी गई है वो भी बड़ी अच्छी लिस्ट है, उसमें से भी अक्सर लग जाते हैं। बाकी ये इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स और प्रेपोजिशन वगैरह के लिए मैंने ये बुक्स लिखी हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश और ब्रश अप योर इंग्लिश और पास्ट पेपर। बाकी ये मेड इजी की बुकलेट्स हैं अनवार अफजल मुफ्ती के नाम से, इनमें भी जो आपको ग्रामर वगैरह के रूल्स हैं जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो सोर्सेज के बारे में पूछ रहे, तो ये सोर्सेज हैं मेमोराइजेशन बेस्ड जो चीजें हैं उनके लिए। सही है,
और जो स्किल बेस्ड चीजें हैं, ओब्वियसली जो ये सेशन स्टार्ट कराने का पर्पस है वो यही है कि जो स्किल बेस्ड चीजें हैं वो मैं आपको करवाऊं, ठीक है? तो मेमोराइजेशन बेस्ड